नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ABTech में और मैं हूँ ब्रजेंद्र। दोस्तों आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाए हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों जो सबसे पहली खबर है वो केंद्रीय कर्मचारियों के लेकर के है कि दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। कैबिनेट में ने महंगाई भत्ता 5% बढ़ाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 5% बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। ये जो भत्ता है केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2019 से मिलेगा और यूपी में ये जनवरी 2020 से लागू किया जाएगा। हालांकि अभी यूपी में इसको लेकर संदेह है कि यूपी में 5% जो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता लागू होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसी को लेकर के यहाँ पर अपडेट दी गई है कि मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार भी दे 5% डीए। वैसे तो नियम ये होता है कि जितना केंद्र सरकार देती है उतना ही राज्य सरकार भी देती है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई भत्ता ज़्यादा बढ़ाया गया है, मतलब 5% बढ़ाया गया है। इस वजह से थोड़ा सा डाउट है, तो इसलिए सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने प्रदेश सरकार से केंद्र की भांति 5% महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग की है। इस 5% डीए के बढ़ने से कर्मचारियों की जो वेतनमान होगा वो 1500 रुपये से लेकर के 8000 रुपये तक महीने का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये फ़िलहाल अपडेट हो गए। वहीं पर दोस्तों अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो यूपी में राज्य कर्मचारियों को 7000 रुपये तक बोनस मिलेगा। इसके लिए फाइल पूरी तैयार कर ली गई है, अब इसमें शासन की अनुमति मिलना बाकी है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस बार ये जो दिवाली बोनस होगा इस पर प्रदेश सरकार को कुल मिलाकर के 968 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं उनको 7000 रुपए के आसपास यहाँ पर बोनस, दिवाली बोनस मिलेगा। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो ये न्यूज है चयन बोर्ड को लेकर के, प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर के अपडेट है कि 2011 के अन्य मंडलों का रिजल्ट देने की तैयारी। आपको पता है 2011 भर्ती के प्रधानाचार्यों का जो रिजल्ट है उसमें कई मंडलों, कई जनपदों का आ चुका है, लेकिन कई जनपदों का या कई मंडलों का अभी तक नहीं आया। तो उसी को लेकर के अपडेट दी गई है कि प्रदेश भर के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों को और प्रधानाचार्य मिलने वाले हैं। चयन बोर्ड वर्ष 2011 के प्रधानाचार्य भर्ती के लंबित परिणाम जारी करने की तैयारी में है। मंडलवार रिजल्ट घोषित करने का सिलसिला जल्द शुरू होगा। वहीं कानपुर मंडल का अब तक साक्षात्कार नहीं हो सका है। इसमें से नीचे दिया गया है कि सहारनपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, लखनऊ, आजमगढ़, आगरा, प्रयागराज मंडल के जो रिजल्ट हैं इसमें से जारी कर दिए गए हैं। बाकी जो मंडल बचे हैं उनका रिजल्ट अब जारी किया जाएगा। वहीं पर कानपुर की बात करें तो उसका अभी तक इंटरव्यू नहीं हो पाया है। ठीक है, बात करें TGT PGT 2016 को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के अपडेट, तो उसमें काफ़ी लोग हैं जो पूछते रहते हैं सर क्या हुआ। तो जैसा कि चयन बोर्ड ने सितंबर में जारी करने के लिए कहा था रिजल्ट PGT का, लेकिन अभी तक कोई भी ऑथेंटिक न्यूज नहीं मिल पा रही है रिजल्ट को लेकर के कब जारी किया जाए गए। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात करते हैं। तो ये न्यूज है SSC को लेकर के, जो लोग कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर के। कैलेंडर में कांस्टेबल GD भर्ती को जगह नहीं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए कर्मचारी चयन आयोग करता है सिपाही के पदों पर भर्ती। दोस्तों SSC ने लगभग 1.5 साल का या 2 साल का कहें कैलेंडर जारी किया हुआ है और इसमें से कांस्टेबल GD भर्ती कोई भी जगह नहीं दी गई है। कुल मिलाकर के 26 भर्ती परीक्षाओं के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। इसमें MTS भर्ती है, CGL भर्ती है, CHSL भर्ती है, JEE भर्ती है, दिल्ली पुलिस में SI भर्ती है, काफ़ी सारी परीक्षाएं, लेकिन कांस्टेबल भर्ती इसमें नहीं शामिल की गई। तो इस तरीके से जो लोग केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनमें घोर निराशा छाई हुई है। आपको बता दें अगर आप इसका एग्ज़ाम कैलेंडर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सबसे पहले गूगल पे आना पड़ेगा। गूगल पे आपको टाइप करना है governmentjobcenter.com। जैसे ये डालेंगे तो यहाँ पर ऑफिशियल जो साइट है हमारी उसका पेज ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट का सेक्शन दिया गया है,
और यहाँ पे सबसे ऊपर ही दिया गया SSC एग्ज़ाम कैलेंडर 2019-2021। इस तरीके से आप इसका जो एग्ज़ाम कैलेंडर है डाउनलोड कर सकते हैं। अगली न्यूज़ की बात करते हैं, तो ये न्यूज है बीएड को लेकर के कि बीएड में संशोधन करने का आज अंतिम डेट है, अंतिम समय है। अगर आपकी फीस वापसी आनी है तो अपनी डिटेल्स में आप संशोधन कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। अकाउंट का ब्यौरा सही करने का आज अंतिम मौका है, 10 अक्टूबर की रात 12 बजे तक कर सकते हैं। इसके बाद साइट बंद हो जाएगी और आपकी अगर फीस वापसी है तो फंस जाएगी। अकाउंट के विवरण में गड़बड़ी के चलते 2656 छात्र छात्राओं की फीस अभी तक वापस नहीं हो पाई है, ठीक है। इसके लिए बरेली यूनिवर्सिटी ने 4 अक्टूबर को बीएड की साइट खोली थी कि छात्र छात्राएं अपना संशोधन करने अपने लॉगिन में जा करके, ठीक है, और वहां पर आप लोगों के लिए 10 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया था जो कि आज समाप्त हो रहा है। तो अगर आपने संशोधन नहीं किया तो आपकी फ़ीस रिफंड की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा उत्पन्न होगी और फीस आपकी वापस नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं, तो LTK रिजल्ट को लेकर के अपडेट है। हालांकि इसका मैंने डेडिकेटेड वीडियो कल बना दिया था, कल जो अभ्यर्थी थे लोक सेवा आयोग पर धरना प्रदर्शन किए काफ़ी मात्रा में, इस बार अभ्यर्थी पहुँचे थे तो करीब 4:30 जो चेयरमैन है UPSC के उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को वार्ता करने के बुलाया और वहाँ पर यह आश्वासन दिया है अध्यक्ष साहब ने कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान को छोड़ करके बाकी सभी जो रिजल्ट हैं LT ग्रेड के 6 विषयों के लगभग जो रिजल्ट हैं वो दीपावली से पहले जारी कर दिए जाएंगे। हिंदी और सामाजिक विज्ञान को लेकर के उन्होंने कहा कि इनमें विवाद है, इनको पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके इनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके लिए वाराणसी कोर्ट से केस डायरी मंगाएंगे, पूरा उसकी तरीके से अध्ययन करेंगे, परीक्षण करवाएंगे, उसके बाद हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम जारी किया जाएगा। तो LT ग्रेड अभ्यर्थी जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे उनके लिए गुड न्यूज है, दीपावली से पहले उनको यहाँ पर एक अच्छी खबर मिलने वाली है रिजल्ट के रूप में। अगली न्यूज़ की बात करते हैं, तो न्यूज है रेलवे भर्ती बोर्ड को लेकर के, बेरोजगारों से भर्ती फीस के रूप में रेलवे बोर्ड ने वसूले 9 अरब रुपये। 2000 से 2013 में अंडर ग्रेजुएट की फीस 40 रुपये और ग्रेजुएट की 60 रुपये थी, जो अब 500 रुपये तक हो गई है, ठीक है। आपको बताते हैं यहाँ पर पूरा आंकड़ा दिया गया कि 2013-14 में कितनी फीस सरकार के पास आई थी, 14-15 में, 15-16 में, 16-17 में कोई बढ़ती नहीं हुई, 17-18 में, 17-18 में जो फीस है वो कुल मिलाकर के लगभग 9 अरब रुपए होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है। सरकार ने कहा था कि जो कैंडिडेट परीक्षा में अपीयर होंगे SC ST उनकी फ़ीस वापस कर दी जाएगी, ठीक है, लेकिन अभी तक किसी की फ़ीस वापस नहीं की गई, ऐसा यहाँ पर दावा किया जा रहा है। और जो डॉक्टर प्रकाश अग्रवाल हैं RTI एक्टिविस्ट, उनका कहना है कि कुछ गड़बड़ झाला है, RBI RRB में ये गड़बड़ झाला है, तभी पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है, बोर्ड आवेदकों को सभी नई फीस नहीं लौटा रहा है, ये भी नहीं बता रहा है कि कितने आवेदकों को पैसे वापस दिए गए, ठीक है। तो ये फ़िलहाल अपडेट हो गए रेलवे भर्ती बोर्ड को लेकर के। अगली न्यूज़ की बात करते हैं दोस्तों, तो ये वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश NHM यानी उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में, आप कह सकते हैं भर्ती आई हुई है, काफ़ी सारी पोस्ट है यहाँ पर। पोस्ट के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर है ब्लॉक अकाउंटेंट, अकाउंट मैनेजर, मेडिकल ऑफिसर, रजिस्ट्री असिस्टेंट, काउंसलर, सोशल वर्कर एंड अदर पोस्ट है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसका स्पष्ट नोटिफिकेशन आज जारी होगा, आज से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। 40 साल से 62 वर्ष तक की इसमें आयु सीमा रखी गई है और 1400 से ज़्यादा यहाँ पर पोस्टें हैं, ठीक है। अंतिम जो तिथि है इसकी वो है 30 अक्टूबर 2019 तक इसमें आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी डिटेल्स थी आज के वीडियो की, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों कई लोगों को वीडियो में शिकायत रहती है कि ये फर्जी न्यूज़ देते हैं, फेक न्यूज़ देते हैं, कभी कुछ बताते हैं कभी कुछ बताते हैं, तो आपको बता दूं कि जो हमें ऑथेंटिक रूप से अपडेट मिलती है वही हम लोग अपडेट आपको प्रोवाइड करते हैं। अब जो अपडेट प्रोवाइड कर रहा है वही गलत हो तो फिर उसमें हमारा कोई दोष नहीं होता है,
इसी तरह से मैंने ये वीडियो बनाया था TGT वाला, इसमें कई लोगों के कमेंट आए कि सर ये भर्ती कैंसिल हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी अभी नहीं है कि पूरे पद ख़त्म किए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो अभी तक ख़त्म किए गए, जब ख़त्म हो जाएंगे तब की बात अलग होगी, फ़िलहाल अभी भर्ती आने की पूरी उम्मीद है, हालांकि पद ज़रूर कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मोटो नहीं रहता कि हम आपको गलत जानकारी दें, अगर आप गलत यूट्यूब चैनल फर्जी यूट्यूब चैनल चेक करेंगे यूट्यूब पर तो भरे पड़े हुए हैं फर्जी यूट्यूब चैनल, तो हमारा उद्देश्य फर्जी न्यूज़ दे करके पैसा कमाना नहीं होता, जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वही हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे रेगुलर व्यूअर वो जानते हैं कि यहाँ पर हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ ही मिलती है, जो नए व्यूअर उनको लगता है कि हाँ ये न्यूज़ गलत है, ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहें, ऑथेंटिक न्यूज़ आपको इसी चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।